नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा और अब तक आपने देखा होगा, अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, खासकर गाजियाबाद की बात करें, तो हाई राइज बिल्डिंग यहां आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर हम यहां के देहात की बात करें, या यूं कहूं कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं मुरादनगर इलाके में। मुरादनगर का एक गाँव पड़ता है मथुरापुर, ये गाँव है। और इस गाँव के लोगों का क्या कहना है चुनाव को लेकर, क्या इनकी मांगे हैं, किन मुद्दों पर ये वोट करने वाले हैं। काश्तकार, जिसे किसान कहा जाता है, धरती पुत्र भी कहा जाता है, आखिरकार धरती पुत्र चाहता क्या है, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। हालांकि फसल का टाइम है, इनका टाइम ज्यादा जाया नहीं करूंगा। देख सकते हैं यहां गेहूं ये पक चुके हैं और लोग बाग भी यहां खड़े हुए हैं। सभी के अपने अपने मन में विचार हैं। यूथ मेरे साथ है। कहा जाता है कि यूथ के ऊपर सारा दारोमदार होता है। लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्योंकि अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो हाई राइज बिल्डिंग यहां नजर आती है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि किसान भी है। तो किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो चुनाव होगा हमारे क्षेत्र में, वो विकास के मुद्दे पर होगा। जब से सोसाइटी में ज़्यादा वोटें हो गई हैं, तो जो भी सरकार यहाँ पे आती है, यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, वो गांव के क्षेत्र के जो गांव के जो किसान लोग हैं, उन्हें भूल चुके हैं। वो एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए, और उसके बाद वो इन्हें भूल जाते हैं, कभी भी दिखाई नहीं देते। यहाँ पे आप सड़कें देखते हैं, हम सबके लिए समान काम कर रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे जवान हो। इधर कोई भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो पूरा सोल है, गाँव के जो लोग परेशान है क्षेत्र से, ये कूड़े का है। अच्छा। 3 साल से यहाँ पे कूड़ा डल रहा है, यहाँ इतनी बदबू आती है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते। और जब हवा चलती है तो यहाँ इतना बुरा हाल है, आसपास के जो गाँव है उनको और ज़्यादा बुरा हाल है। अभी आप देखोगे हमारे, अगर इस मथुरापुर की गाँव की हम बात करें, तो यहाँ से ये सड़क जा रही है, इससे इस तरफ कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो खेतों में रास्ता ही नहीं है। ये लोग पहले इंतज़ार करते हैं कि ये वाले खेत कटेंगे, उसके बाद हमारी बारी आएगी, चाहे उनकी फसल ख़राब हो जाओ, क्योंकि जब ये कटेंगे उसके बाद रास्ता बनेगा, फिर ये जाएंगे। ये तो दावे कर रही है सरकार, तो बहुत दावे कर रही है कि हमने तो बहुत सड़कें बना दी। कोई दावा नहीं है। सब अगर इसी गांव की हम बात करते हैं, क्योंकि हमें अपने गांव से मतलब होगा या अपने क्षेत्र से मतलब होगा, हमारे गांव में शमशान घाट तक नहीं है। अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो लोग इतने परेशान होते हैं, पहले तो ये सोचते हैं कि भाई जाए कहाँ पे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, शमशान घाट नहीं है हमारे गाँव में। गाँव के तो आपने मुद्दे बता दिए। अगर मैं शहरी बात करूँ या पूरे गाजियाबाद की बात करूँ, देश तो छोड़िए, पूरे गाजियाबाद की बात करूँ, तो गाजियाबाद में कहीं लगता है काम हुआ है? हमें नहीं लगता कुछ काम हुआ है। शहर में जो काम हो रहे हैं, जैसी सड़कें थी पहले थी, और शहर के मुताबिक गांव में काम नहीं हुआ, शहरों में फिर भी हो रहा है। शहरों में हो रहा है, उन्हें शहरों से वोट भी चाहिए, वो करते भी हैं, गांव में कुछ काम नहीं हो रहा। भाजपा को सोचना चाहिए। इस ओर कहती हैं किसानों के भी हम साथ हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में काम हो रहा है, गांव में नहीं हो रहा है। अभी मैं देख रहा था आप गेहूँ काट रहे थे, कितना काट लिया? काट लिया एक एक पेड़ काट लिया। और कितने बीघा है तुम्हारा? यूं 2.5 बीघे। तो यहाँ से मिल जाएगा कुछ ना मिलेगा खाने पीने को? भाजपा काम कर रही है ना कर रही? अब तो आ रहे हैं, और फिर कोई ना आवे वोट ले ले। काम कर रही है ना कर रही वहाँ? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी काम कर रहे हैं ना कर रहे? काम कर रहे हैं, काम जब है ही ना कुछ नहीं हो। अच्छा, साफ सफाई की ज्यादा दिक्कत है गाँव वालों को, पानी की दिक्कत। आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताइए रास्ता नहीं करेंगी वोट इस बार? वोट करेंगे जिसको कहेगा, जो हमारी सुविधा करेगा उसके वोट करेंगे जी हम। अच्छा, अब तक जो सांसद रहा उसने कुछ काम करा आपके लिए, गांव के लिए कुछ काम किया? कुछ भी ना हो रहा जी, हमारे तो सड़क खोद कर उसके नीचे कर दी, टंकी लगवा कर कहीं निकलने का रहा न बढ़ने का रहा। तो अब के जो वोट करोगी, जो कैंडिडेट होगा, मतलब जो उम्मीदवार होगा, उसे देख के करोगी अम्मा, या फिर उसे जो पार्टी को देख के करोगी? जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे सुविधा करेगा उसको देंगे वोट। बहुत बड़ी बात है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, पार्टी से मतलब नहीं है, उम्मीदवार से मतलब नहीं है, जो काम करेगा उससे मतलब है। आपसे जानना चाहूंगा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, गांव के रहने वाले। खेती करते हैं आप? जी, खेती करते हैं। अच्छा, किस किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं इस बार? वोट होगी यहाँ विकास पे, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगी। विकास तो भाजपा भी कर रही है? नहीं, कोई यहाँ विकास नहीं है। विकास हो रहा है केवल शहरों में, सिटियों में थोड़ा बहुत, गाँव में कोई नहीं देख रहा। गाँव में केवल वोट चाहिए और शहर में विकास होगा। शहर का सारा कूड़ा उठाया जा रहा है, गांव में रखा जा रहा है। वोट अरे गांव में तो रहने की सुविधा नहीं है। 2-4 दिन रह के तो देखो, यहाँ पे ये नेता बनते वोट मांगने आते हैं, मूल पेट के आते हैं। अरे 2 दिन यहाँ हमारे साथ रह के तो देखो, इतनी बदगुवारी इतनी आ रही है, खेतों में भी नहीं रह जा रहा हम पे, तो रहना यहाँ पब्लिक छोड़ के किराए पे। कूड़ा यहाँ से हटा दिया जाए,
कूड़ा अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो लगता है भाजपा ने काम किया है नहीं किया? नहीं देखो, भाजपा ने काम किया, किसानों को 2000 रुपए भी किसान दे रही है, ऐसी बात नहीं आ रहा है आपके गांव में? हाँ, आ रहा है, हमको भी आ रहा है। सही बताना, देखो ये सुनने के कैमरे पे नहीं, बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रही है। पर उसका फायदा क्या है बताओ, क्या फायदा है? यहाँ तो रहने की भी सुविधा नहीं है तो आदमी, मतलब शहरी क्षेत्र में जितना काम किया जा रहा है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में उतना काम करना चाहिए भाजपा को, तभी इनकी वोट प्रतिशत भी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर विकास होगा तो बिल्कुल वोट मिलेगी। कराती आपके हाथ में देख रहा हूँ, कर दिया क्या काटा है? जय काटेंगे, जय काटेंगे। अच्छा, कितने बीघे की जमीन है अपनी बता दो, छापना पड़ने का? चार पाँच बीघे। अच्छा, तो वोट कैसे कर रहे हो इस बार? वोट देखो, जो विकास करेगा उसे वोट करेंगे। विकास की बात तो लगातार भाजपा भी कर रही है कि हम भी विकास कर रहे हैं, कर रही है, लेकिन जो देहात के लिए विकास होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है जी, विकास जो है वो शहरी क्षेत्र में है। और तुम भी देख रहे हो कचरे को लेकर, नहीं जा कचरा तो है ही, बाकी सड़क को देख रहे हो कितनी धूल मिट्टी लेके यहाँ से लेके वो मुरादनाथ चले जाओ, पूरी धूल मिट्टी। अच्छा, मौजूदा प्रधान भी कुछ नहीं करता इसमें? जो तुम्हारा प्रधान है, जो भी मौजूदा प्रधान होंगे वो भी कुछ नहीं करते इस बार? कुछ नहीं। और गांव में देख लो, सड़क खुदी हुई है, अब तक खुदी हुई है ना गांव में, तो मैं देखता आ रहा हूं गांव में कुछ ना हुई है पूरी नहीं, ऐसे ही एक साल हो, कितने साल हो गए? एक साल होगी, बनते बनते अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसी पड़ी है। कहीं ना कहीं किसी ना कहीं प्रधान सुना, कहीं कहते प्रधान करता ही नहीं है, क्या कहे? क्या कहे? प्रधान कहता कि करूंगा करूंगा, और करवाते नहीं है, और कह देवे मना भी नहीं करते। फिर वोट किसको दोगे फिर? आपके उसको देंगे जो कोई विकास करेगा। कौन करेगा विकास? विकास अब क्या पता ना, क्या पता कौन करेगा, जिसको जी करेगा उसको देंगे कि वो अच्छा लग रहा है या वो करे। पहले कहवे कि हम कर देंगे, फिर करते नहीं है। बिल्कुल, ये काश्तकार हैं जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि शहरी क्षेत्र का विकास तो किया जा रहा है, भाजपा जो वादे करती है शहरी क्षेत्र के लिए तो हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो काम नहीं हो रहे हैं। जरूरत है उस और भी ध्यान देने की और काम करने की। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, अपर्चर पड़ेगा, धूप पड़ेगी तो अजीब सा लगेगा। क्या नाम है भैया आपका? जगत नागर। जगत नागर जी, गुस्से में मत बोलो यार, प्यार से बोलो जैसे मैंने पूछा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मथुरापुर गाँव के। जी, मथुरापुर के। किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मेन मुद्दा विकास है, बेरोजगारी है, जैसे युवा हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, या जैसे विकास की बात की जाए तो गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, रास्तों की है, यही मेन बातें होती हैं। जो विकास करेगा पार्टी उसी को वोट दी जाएगी। अच्छा, आपके गांव के उन लोगों से भी मैंने बात की, इनका कहना ये है कि शहरी क्षेत्र में तो विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास है लेकिन बहुत कम है, नामात्र के नाम पर विकास है गाँव में, तो गाँवों की तरफ भी ध्यान दिया जाए जैसे शहरों की तरफ है। शहरों में 100% का विकास है तो गांव में 50% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गांव में भी। तो ये सारी समस्याएं हैं, जैसे मोदी जी विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जैसे नहीं है। अभी हमारे वी के सिंह सांसद जी थे, 10 साल रहे यहाँ से सांसद, एक बार भी गांव में नहीं आए हैं वो, एक बार आए। लगता है कि जैसे इस बार जो वी के सिंह जी का टिकट कटा है तो ये कहा गया था कि कोई लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, लोकल कैंडिडेट का फायदा मिलेगा कुछ कि लोकल है तो कुछ सुनेगा हमारी? अभी तो कैंडिडेट को पर डिपेंड करता है कि वो गांव की तरफ ध्यान देते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि लोकल के हैं तो मतलब लोगों के बीच में रहेंगे, जबकि उनका फर्ज बनता है कि वोट लेने के बाद भी गांव में आएं, गांव का दौरा करें, लोगों से अपने व्यक्तिगत संबंध बनाएं और विकास की तरफ ध्यान दें। जैसे सबसे बड़ी समस्या ये है जल निकासी की और रास्तों की है, तो गाँव को ये चीज़ तो चाहिए, विकास होना चाहिए गाँव में, स्कूल हैं और बच्चों के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं हैं। अभी बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं लोगों के माइंड में, अब उन्हीं को देख के लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, उन्हीं को देख कर वोट करेंगे। मथुरापुर ये गांव है, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, और गाजियाबाद से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बना हुआ है। गांव वालों का साफ तौर पर कहना यह है विकास किया जा रहा है लेकिन शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जो दर है वो बहुत ही धीमी धीमी चल भी रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, सुबह का ये वक्त है, सभी किसान यहाँ कटाई कर रहे हैं, गेहूँ की ये फसल है, कहते हैं ना सोने जैसी चमकती हैं बालियां, वही सोने जैसी यहाँ चमक भी रही हैं। लेकिन जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, ताकि जो शहरी क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसी तरह का विकास ग्रामीण क्षेत्र में भी किया जाए, क्योंकि विकास की बात हमेशा करते हुए नजर आती है भाजपा, लेकिन गाँव वालों का कहना यह है कि विकास हो तो रहा है लेकिन शहरी क्षेत्र में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महज 10 से 20% ही विकास हो रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे बच्चों के पढ़ने के लिए हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे पानी हो। और इस बात इस गांव की अगर मैं बात करूं तो यहां सबसे बड़ी जो दिक्कत है, यहां के 16 गांवों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, यहां जो कूड़े का पहाड़ बन गया है उसको हटाया जाए। साथ ही इनका कहना यह है कि बीते 10 साल से यहां पे सांसद जनरल वीके सिंह थे, लेकिन उस 10 साल में 10 मिनट के लिए भी वीके सिंह यहां नहीं आए। लोकल प्रत्याशी से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, इनका कहना यह है कि इस
बार जो वोट होगा वो विकास के मुद्दों पर होगा, साथ ही जो वोट होगा वो कोई पार्टी देखकर नहीं होगा, कैंडिडेट देखकर नहीं होगा, जो विकास की बात करेगा, जो काम करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 प्रदेश। जी, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दों पे वोट करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। सबसे बड़ा तो हमारी जो प्रॉब्लम है ये है कि यहाँ जो एक कूड़ा का ढेर बनाया जा रहा है, जो शहर का कूड़ा गांव में आ रहा है, जबकि मोदी सरकार का ये अभियान है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ देश बनाए, लेकिन क्या हो रहा है कि गांव में जो है शहर का कूड़ा गांव में क्यों आ रहा है? शहर का कूड़ा शहर में ही डाला जाए और गांव का कूड़ा। किस बात आपने किसी से बात की है कि यहां कूड़ा क्यों डाला जा रहा है? हमने कई बार ये हाँ जी कई बार हमने संघर्ष समिति, एक हमारे यहाँ कमेटी है, उन्होंने जो कई बार संघर्ष करे, कई बार आयोजन किया, फिर उन्होंने मतलब जो धरना रखा गया 14 दिसंबर से और 31 दिसंबर को एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई। कोई फायदा हुआ उसका? उसमें नगर निगम से जो आयुक्त थे या अधिकारी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है 3 महीने के अंदर यहाँ कूड़ा डालना बंद कर देंगे और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे ये सड़क टूट गई या ये जो प्रदूषण हो रहा, एक हमारे गाँव में बराबर में पड़ोस गाँव में मकरेडा, वहाँ से हमारे कम से कम 18 लोग काले पीलिया के कारण मर गए, क्योंकि पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है। अब जो जब हवा और पानी शुद्ध नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या होगा? हमारे गांव में भी कम से कम 100 मौत हुई है कैंसर के कारण। तो हमारे गांव में कोई भी किसी तरह का विकास नहीं हो रहा, हमारे यहां कोई शमशान घाट नहीं है, हमारे यहां कोई पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है और किसान गरीबों के लिए कोई छूट नहीं है। ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम के प्रावधान पर ये झूठे आश्वासन देते हैं, उसी पर ये वोट कराते हैं, कोई विकास नहीं कराते गांव में। 5 किलो अनाज देते हैं 95-97 रुपए लीटर डीजल कर दिया, इतनी महंगाई कर दी, कोई बेरोजगारी हमारे गांव में, कोई भी बच्चा अभी ये जो पुलिस की भर्ती हुई बेचारे की बिल्कुल लास्ट एज पे थे, उनकी उम्र ख़त्म होने वाली थी, ये पेपर कैंसिल करा दिया, उनकी ज़िंदगी अंधकार में हो गई। अभी अग्निवीर कर दिया 4 साल के लिए, इसमें नौकरी है, उसके बाद युवा बताओ कहाँ जाएगा? अब गांव का किसान तो बेचारा या तो पुलिस में लग सकता है या मिलिट्री पक्ष में लग सकता है, दो ही जगह लग सकता है। मुद्दे यही तो है जी, जब किसान है, किसान का बेटा ना तो पुलिस में लगा ना आर्मी में लगा, तो वो कहाँ जाएगा? बेरोजगारी तो, और इतना बोला उसे बेचारे इतना शिक्षित हो नहीं पाता, इतनी उसे नहीं मिल पाती। कहने का मतलब है कि जो भी विकास करेगा इस क्षेत्र में, जो भी हमारी समस्याएं हल करेगा, हम उसी को वोट देंगे और उसी के हम साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।